अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का व्लॉग भी मेरा आउटडोर ही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है, हम लोग बाहर निकले थे। और हम लोग जी कहाँ जा रहे थे, ये रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन है इस्लामाबाद में, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे और मैं आप लोगों को वहाँ का विज़िट करवाती हूँ। तो जी मेरी ये लुक आप लोग देख लें, मैंने ये आप लोगों के साथ अपना ड्रेस शेयर भी किया था अपनी विंटर शॉपिंग में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया था, ये बहुत अच्छी पीसफुल जगह है, बहुत कूल है, बहुत काल्म है। जो लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में रहते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आप लोगों को ये प्लेस जो है वो कैसी लगती है। और मैं तो ज़रूर आप लोगों को रेकमेंड करूँगी आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। ऐसी जगह है कि आप लोग यहाँ पर जो है वो घंटों बैठ सकते हैं, क्योंकि विंटर का सीज़न है तो धूप में आप लोग आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मुझे तो ये जगह जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे हर तरफ जो है वो ग्रीनरी ही है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी हैं हर किस्म के। ये रोज़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे तो जो है ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, तो मेरे लिए तो ये जो है बहुत अच्छी जगह है। आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरी वीडियो देख रही है ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। और अपनी जो है वो सजेशन भी दिया करें कि किस तरह की वीडियोस मैं बनाऊं। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और अपनी ग्रीनरी की वजह से बहुत खूबसूरत भी होती हैं, लेकिन उनको मेंटेन नहीं रखा जाता, उसकी जो है वो इतनी केयर नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो जो है वो जिस तरह हम लोग जाते हैं तो हम लोगों की आंखों को भाता नहीं है वो जगह, हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत साफ़ सुथरा जो है, यहाँ पे हर चीज़ साफ़ सुथरी लग रही थी और हरी भरी लग रही थी और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पीसफुल इन्वायरमेंट कह लें, बहुत ज़्यादा खामोशी थी, बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पर। तो मुझे तो ये जगह जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इसका नाम रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन है, क्योंकि गार्डन की तरह ही इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरा तो ये जनाब बिल्कुल फेवरेट गार्डन बन गया है, और जब भी हम लोगों को टाइम फ्री मिलेगा तो मैं तो ज़रूर यहाँ पर बार बार आना पसंद करूँगी। मेरे लिए ये बहुत प्यारी जगह है और बिल्कुल मेरी जो है वो ये फेवरेट जगह बन गई है। अब तो मुझे इस तरह की जगह बहुत पसंद हैं और इस तरह के गार्डन, इस तरह की जितनी भी ग्रीनरी वाली जगह होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और मेरा दिल करता है कि बार बार जो है हम लोग इसका विज़िट करें, यहाँ पर हम लोग आएँ। आप लोगों को कैसी जगह पसंद हैं विज़िट करने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद हैं या इस तरह की प्लेसेस पसंद हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और ये आप फ्लावर्स देख देखते हैं, इसमें बहुत सारे जो हैं बहुत सारी फ्लावर्स की भी किस्में थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इसमें पिंक भी हैं, इसमें येलो भी हैं, रेड ऑरेंज हर कलर इसमें था। और मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि इस फ्लावर को क्या कहते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं पिंक कलर का, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं मालूम। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, लेकिन ये फ़्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। जितना ये जो है ये वीडियो में कैमरे में अच्छे लग रहे हैं, इससे कई गुना जो हैं वो रियल में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इनको देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर यहाँ का विज़िट करें, जो भी यहाँ पे इस्लामाबाद के आसपास रहते हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा अभी अगर आप लोग विज़िट करेंगे कि आप लोगों को ये जगह कैसी लगी। और जो जो अपने अपने इलाकों में रहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी इस तरह का प्यारा ज़बरदस्त गार्डन मौजूद है। तो मुझे जी अपनी अगली वीडियो तक इजाज़त दी, आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि इस तरह की ज़बरदस्त सी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा जो है
मैं आप लोगों के लिए ला सकूं और ज़्यादा मेहनत से बना सकूं, मुझे ज़रूर अप्रिशिएट भी करें, कमेंट्स में अपनी सजेशन भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे अपनी वीडियो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।